Osman, assalam alaikum. Waalaikum assalam. So excited to meet you. Oh, cheers. Finally. Yes. Shahzain ke character mein itni layers hain. Haan ji. Kabhi Shahzain shararti hote hain, kabhi politician hote hain, kabhi scheming hote hain, kabhi pure dost hote hain. Which is one jisse aap sabse zyada relate karte hain? I think the friendship. Because I think jo iska markazi maqsad jo is drama ka tha is the power and the strength of friendship and how Shahzain ke liye to specifically uske dost uska moral compass hai, uske dost hi use uska kind of guiding light hai. So maine is cheez ke sath bahut relate kiya tha. You know, aapko school college ki yaadein aa jati hain, aapke professional life ki bhi yaad aa jati hai. So that was what I related to the most, but what I enjoyed most was the politician angle. Because I think Mustafa bhai ne jo hamare writer hain aur Saifi bhai jo hamare director hain, unhone itna acha weave kiya hua tha ki aapko chauthe episode se hi hints mil gayi thi about Shahzain's darkness, right? And how that manifested, kabhi wo jis tarah se harmonium toda, usme bhi kitna text tha, wo dekhta hai apne dost ko jo ke khud belong karta hai ek musician family se. So it was really interesting for me to play a grey shaded character. But from viewers point of view, I have to tell you ki jab aapne scheming shuru ki to wo shocking tha, surprising tha. Of course. So that was a very good angle. Of course, thank you. We didn't expect ki Shahzain will do this. Bilkul, bilkul. Aur uske baad se hum wait kar rahe the kab Shahzain ki redemption start. Ji. अच्छा, ये आपके पहले जितने कैरेक्टर्स हैं उनसे डिफरेंट है, ठीक है? सो हाउ वाज व्हाट लाइक व्हाई डिड यू से यस टू इट? इट वाज पेट्रियोटिज्म या इसकी लेयर्स थी? क्यों हाँ बोला इस? एक तो आई थिंक आप खुद जानती हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री में किस तरह के स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं, एंड यू नो टू हैव अ स्क्रिप्ट व्हिच वाज फोकसिंग ऑन फोर फ्रेंड्स एंड देयर जर्नीज, और जिस तरह एक सिविलियन आर्क को भी लेकर चलें और आर्मी का भी आर्क को लेकर चलें और किस तरह वो मर्ज करता है सो सीमलेसली इन द स्क्रिप्ट, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस मैं सैफी भाई के साथ काम करना चाहता था. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. कौन है यहाँ पे? है सारा. मैं उस्मान के साथ काम करना चाहता हूँ. ओहो, अभी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं इसके बाद. तो मुझे कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, एंड यस डेफिनेटली आई थिंक इस तरह के ड्रामे आप खुद ही जानती हैं, सारे व्यूअर्स भी जानते होंगे, बहुत कम बनते हैं और इतने अच्छे तो खास तौर पे बहुत कम बनते हैं. सो जब मुझे वन लाइनर ही सुनाया गया था, आई साइन ऑन टू द प्रोजेक्ट राइट देयर एंड देन. तो शुरू में जब आपने किया, बहुत उम्मीदें होंगी इस ड्रामे से, जब ड्रामा शुरू हुआ, यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड, राइट? लेकिन जब पहली दो किस्तें आईं, तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आया था. हाउ डिड यू टेक इट? देखें, क्योंकि मुझे तो पता था कि किस तरह अनफोल्ड करना है, तो इट वॉजेंट, मतलब आई वॉज टेकिंग द क्रिटिसिज्म इन स्ट्राइड. एज एन एक्टर तो यू नो आपको पता है, आप पे हर किस्म की तोहमतें भी लगती हैं, हर किस्म का क्रिटिक आप पे होता है. सो यू सपोज टू टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. बट क्योंकि आई न्यू कि ये किस तरह पिकअप करेगा, एंड आई न्यू कि वो पहले तो एपिसोड्स भी कितने इंपॉर्टेंट थे टू काइंड ऑफ एस्टैब्लिश द कैमराडरी बिटवीन द फ्रेंड्स, टू एस्टैब्लिश उनकी दोस्ती और उनके कैरेक्टर ट्रोप्स एग्जैक्टली क्या है, कि शारिक किस किस्म का किरदार था. आपको उसी ग्रोथ भी पता चलती है पहले एपिसोड में और अब जाकर 20वें 22वें एपिसोड में, कितना मार्क डिफरेंस है शाहजैन का भी, साथ का भी, शारिक शहरियार का भी. सो यू नो इस तरह की क्रिटिसिज्म तो चलती हैं, यू नो मुझे आई वाज नॉट डिटर्ड और फेज्ड बाय. योर फेवरेट सीन? That's really tough. I think the reunion between Shahzain and Hana, that was so amazing. Yes. Okay, जी. रानी का character, उसके लिए कहीं से कोई inspiration ली थी, क्या था? Inspiration, रानी को देख inspiration. To read the line, आप कहते हो अच्छा कि ये कैसे बोलते हैं? बस वो बना बनाया character है, वो कोई भी कर लेता. नहीं नहीं नहीं. You're not giving due credit to yourself, because I think anybody could have done Rani. Anybody could have done Rani. वो एक इतना अच्छा लिखा हुआ कैरेक्टर है कि उसको कोई भी कर सकता है. उसके डायलॉग्स, उसकी कैरेक्टराइजेशन, उसका आर्क, सब कुछ यू नो सब राइटर ने लिख के दिया कि करने चाहिए. ज़ारा, जब स्क्रिप्ट आया, पढ़ा, सबसे पहला दिमाग में क्या ख्याल आया रानी का कैरेक्टर पढ़ने के बाद? एक्चुअली मैंने स्क्रिप्ट प्रॉपरली नहीं पढ़ा था, बिकॉज स्क्रिप्ट उस वक्त कम्प्लीटली नहीं लिखा गया था. मेरी मुस्तफ़ा भाई से फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया था और साथ बैठे हैं और उन्होंने ऐसे घेरा था मुझे, तो मैंने कहा डन, कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, मुझे बताएं, इतना बड़ा कैरेक्टर, मतलब 8 मेन कैरेक्टर्स, तो थोड़ा वो था कि यार मेरा कैरेक्टर सामने कैसे आएगा, कंसर्न था, क्यों हाँ बोला इस कैरेक्टर के लिए आपने? आई रियली वॉन्ट टू वर्क. ओके,
जब पहली बार पता चला कि उस्मान खालिद बट आपके साथ ही क्या रिएक्शन था लाइक मैं भी बहुत खुश था नहीं उस्मान ऑनेस्ट बताएं आपको पता चला ज़ारा आपके साथ हैं क्या जी आप सैफी भाई से पूछ लीजिएगा आई वाज सो हैप्पी बिकॉज़ आई हैड सीन हर वर्क आई एम अ फैन ऑफ हर वर्क आई थिंक दैट शी डज कॉमेडी एंड ड्रामा यू नो इमोशंस एंड लाइट हार्टेड रोल्स बोथ सो वेल और मुझे लग रहा था कि रानी में बहुत जजेंगी एंड स्पेशली रानी और शाहजहान का जो डायनामिक है सॉरी वो बहुत जबरदस्त निकलेगा बिकॉज ऑफ जो कि हुआ पहली बार आप लोगों ने सीन शॉट किया जी कैसी थी केमिस्ट्री मुश्किल था यू डाइव्ड इनटू इट डायरेक्टली या क्या था शुरू में ऑब्वियसली थी आइस ब्रेकिंग नहीं हुई भी थी ज़ारा की अपनी स्टोरी है मेरी अपनी स्टोरी है हमारा वो छत वाला सीन था जिसमें वो शाहजहान पहली मरतबा देखता है रानी और मुझे ऑब्वियसली था कि यू नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन बिकॉज वो तो रिश्ते के लिए मना कर रहा होता है लेकिन जब चेहरा देखता है तो एकदम से एक यू नो उजागर भी होती है कुछ फीलिंग्स कुछ होता है टाइप सीन सो बट वो जिस तरह हुआ एंड व्हाट आई एंजॉयड अबाउट दैट सीन वाज हमारी एसेज को इतनी बात नहीं हुई भी थी लेकिन जब मेरे भी क्लोजेस हो रहे थे तो ये फुल एक्सप्रेशंस दे रही थी शी वाज रिएक्टिंग एट द एग्जैक्ट सेम मोमेंट जो शरारत आती है उनकी आंखों में जो एक वो थोड़ी सी शर्म आती है तो यू नो वो जो सारे इमोशंस थे शी गेव सो आई वाज लाइक ओके दिस इज द मार्क ऑफ अ गुड ग्रेट एक्टर आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना फेम इतना अप्रिशिएट किया जाएगा आपका कैरेक्टर एक्सपेक्ट मैंने बिल्कुल नहीं किया था लेकिन जिन्होंने किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बहुत प्यार दिया बहुत इज्जत दी आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया वो पहला टाइम कब था जब आप निकले और आपको लगा अच्छा यार मैं तो मशहूर हो गया लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कोई किस्सा क्या टाइम था एक्चुअली मैं एक दोस्त के पास था उनके घर पे और उनके घर था ऐसे सेकंड फ्लोर मैं ऐसे कमरे से बाहर निकला जैसे मैं कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कोई 400-500-600 लोग खड़े हुए थे मेरे लिए आए हुए वो पॉइंट था जिसे मैंने रियलाइज किया 600 लोग मेरे लिए आए अहद के साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस था जब आपको पता चला कि आप अहद के साथ होंगे व्हाट वाज योर रिएक्शन अहद रजा मीर बहुत अच्छा इंसान है बहुत प्यारा दोस्त है और मैं पहले थोड़ा सा नर्वस था लास्ट एडिट कास्ट थी इस ड्रामा की और मतलब उनके साथ मैंने आना था स्क्रीन के ऊपर लेकिन जिस वक्त मैं सेट के ऊपर गया बहुत हेल्पिंग नेचर के आदमी है और बहुत प्यारा इंसान है वेरी गुड फ्रेंड ओके अब मुझे बताएं कि सबसे मुश्किल पार्ट क्या था इस पूरे कैरेक्टर को करने में और सबसे फेवरेट सीन कौन सा आपका सबसे फेवरेट सीन अभी एयर नहीं हुआ तो मैं बता नहीं सकता और सबसे मुश्किल पार्ट इस कैरेक्टर का इसकी ट्रांसफॉर्मेशन था गुलजार की क्योंकि गुलजार को ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि जिस वक्त मतलब कैडेट था उस वक्त जुगत वगैरह करता था लेकिन जिस वक्त ऑफिसर बना है लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वैसे कर लेकिन एक ऑफिसर का जो वो क्या कह सकते हैं पनाश होता है पसाना होता है वो मेंटेन करना था उसके लिए वो सबसे मुश्किल पार्ट तो जिससे आप शुरू में बोल रहे थे उसको एक्सेंट को एक्वायर करना वो आसान था आपके लिए कितना मुश्किल था क्या था या एक्चुअली एक्सेंट सराइकी था तो मतलब मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। और मतलब नेपा के अंदर भी मैंने एक्सेंट लूज किया था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी स्विच करने के अंदर लेकिन वो सबसे मुश्किल पार्ट अच्छा ये नहीं पूछ रहे एंडिंग है क्या ठीक है वो क्वेश्चन जिसका सब जानना चाहते हैं आंसर साथ के बारे में हम नहीं पूछ रहे आपसे लेकिन आपके ख्याल में एंडिंग क्या होनी चाहिए साथ की शहादत होनी चाहिए या व्यूअर्स डिजर्व अ हैप्पी एंडिंग इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा अब जब भी कोई मुझसे पूछता है कि ड्रामे की एंडिंग क्या होती है मैं फुल निगेशन में चला जाता हूँ मैं हूँ ही नहीं लास्ट एपिसोड में मुझे पता ही नहीं है कि हो क्या रहा लेकिन मैं तो पूछ ही नहीं क्या हो रहा है मैं तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए पर्सनली मेरा दोस्त है मैं नहीं चाहता चाहिए और सबसे मुश्किल सीन कौन सा था एक्ट करना सबसे मुश्किल सीन सैल्यूट कितना अच्छा आप और अहद साथ थे जब ये प्रैक्टिस हो रही थी सब कुछ और कितना रगड़ा लगा आप लोगों को बहुत रगड़ा लगा था उस सीन के अंदर सैल्यूट हो नहीं पा रहा एक दफा करके दिखा दो वो पूरा जो सीक्वेंस था वो नहीं हो पा रहा था ये हो जाता है हाँ। समझता नहीं तो एक्चुअली में था कि आपसे नहीं हो पा रहा था हाँ, वो एक्चुअली में था थैंक यू सो मच
इंस्पिरेशन क्या थी ये कहानी लिखने की आपकी? बुनियादी तौर पे ये DGISPR का ही ब्रेन चाइल्ड था. अच्छा. जिसको मैंने मुस्तफा की क्या कहें सरपरस्ती में मुस्तफा के स्क्रिप्ट को मैंने डायरेक्ट किया. मुस्तफा ने उन्हीं की ब्रीफ पे काम किया जो जलना से फूल साहब का ब्रीफ था, जो कि बुनियादी तौर पे एक आइडिया से था. आइडिया था वन लाइनर, ये चार दोस्त होंगे और चार दोस्त एक साथ पढ़ते होंगे और फिर उसके बाद वो चार मुख्तलिफ इदारों की शक्ल तैयार कर लेंगे और फिर उन इदारों को साथ मिलकर. बुनियादी तौर पर उनका जो मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान से सब मोहब्बत करते हैं, चाहे वो सिविल इदारे हों या अस्करी इदारे हों. सब अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर सब मिल के मोहब्बत करें और उस मोहब्बत का इजहार करें तो हमारा पाकिस्तान यकीनन तरक्की कर सकते हैं. सो आपको प्राइड तो बहुत फील हुआ होगा कि ITGISPR ने आप दोनों को चूज़ किया इतने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए. क्या फीलिंग थी उस वक्त जब ये आया? सच सच बताऊँ जी, देखिए उस वक्त तो मैं मुस्तफा की एक फिल्म करने जा रहा था. हाँ तो सच एडिट करिएगा, सच सच ही बताएंगे. मैं उस वक्त मेरी फिल्म जो मुस्तफा ने लिखी थी पटक दे, उसके शूट में 10 दिन रह गए थे जब हमने ये प्रोजेक्ट करने के लिए कहा गया और कहा गया कि फौरी तौर पर आपकी फिल्म करना है, जिसकी वजह से मेरी फिल्म इस साल भी नहीं हो सकती जाए अगले साल. फिर तो आपने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया पाकिस्तान के लिए. लेकिन ऑफकोर्स हमें ये पता था कि 22 साल बाद ISPR एक ड्रामा बना रहा है और उसका जो मकासद हमें बताए गए थे वो इस कदर बड़े थे कि ना मुस्तफ़ा इनकार कर सके ना मैं इनकार कर सका. थोड़ा बहुत हमने चू चारा जरूर की होगी लेकिन वो ज़्यादा उसको मटेरियलाइज नहीं कर सके अपनी चू चारा को. बहरहाल हमने प्रोजेक्ट किया, बहुत मेहनत, कोई बे इनकार मेरे मेरे और मुस्तफ़ा दोनों की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट.